बढ़ते हुए रेल हादसे, ताखीर का शिकार शेड्यूल, लाहौर के बासियों ने ट्रेन का सफर मुस्तरद कर दिया। गैर मामूली तौर पर ईद के अजाम में रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे, बस अड्डों पर भरा का रश, ट्रांसपोर्टर्स का मन माना किराया, SOPs नजरअंदाज, इंतजामिया बेखबर। सावन के बदलते रंग, कहीं धूप कहीं छांव, महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। लाहौर वाले ईद अबर आलूद मौसम में मनाएंगे। आज से 3 रोज के लिए वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई, बादलों की आनियां और जानियां और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। ईद के करीब सब्जी मंडी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर, प्याज सरकारी ने 32 की बजाय 60 रुपए किलो पर फरोख, टमाटर 85 की बजाय 120, लहसुन 170 की बजाय 280 और अदरक 390 की बजाय 500 रुपए किलो पर फरोख, आलू 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। ईद पर नॉन स्टॉप बिजली फराहमी के लिए लेस्को के इंतजामात मुकम्मल, स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर्स की बड़ी खेप रीजनल स्टोर शालामार पहुंचा दी गई। लेस्को चीफ की हिदायत पर सारिफिन की शिकायत दूर करने के लिए खसूसी अमला मुकर्रर। स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज, कारोबार खोलने के लिए ताजिरों की कोशिश आज भी नाकाम। अनारकली बाजार, शालम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, सदर बाजार समेत दीगर मार्केट के दाखिली रास्ते बैरियर लगाकर बंद कर दिए। सरकारी इजाजत मिलने पर जरई आलात और स्पेयर पार्ट्स की मार्केट्स खुलेंगी। बुजदार हुकूमत को गुड गवर्नेंस के बगैर बेहतर इमेज की ख्वाहिश सताने लगी। वजीर आला ने पंजाब हुकूमत की साफ बेहतर बनाने के लिए फौरी तजावीज तलब कर ली। तजावीज की तैयारी के लिए वुजरा और ब्यूरोक्रेसी को मिलकर काम करने की हिदायत। बारिशी पानी की निकासी और स्टोरेज के लिए मजीद अंडरग्राउंड टैंक बनाने का फैसला, जखीरा किया गया पानी शहर में शजरकारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का ज़ेर सदारत इजलास में बारिशी पानी को पीने के काबिल बनाने की हिदायत। लाहौर में तरक्याती कामों पर 32 अरब 35 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। LDA के गवर्निंग बॉडी ने साल रवां का मेजानिया मंजूर कर लिया। बजट में आमदनी का तखमीना 56 अरब 61 करोड़ और अखराजात के लिए 53 अरब 12 करोड़ मुकर्रर। बजट में सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 3 अरब, LDA सीरीज स्कीम पर 8 अरब, वासा मनसूबों के लिए 6 अरब 44 करोड़ मख्तस किए गए हैं। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, हाईकोर्ट मुलाजमीन से लेकर जजेस के यूटिलिटी अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 6 तक का यूटिलिटी अलाउंस 3,000 से बढ़ाकर 6,000 और ग्रेड 22 का अलाउंस 8,000 से 30,000 कर दिया गया। हिफाजती टीकों के तौसी प्रोग्राम EPI में वसाइल का बरवक्त इस्तेमाल ना करने पर इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने 50 मोटरसाइकिल्स के रन इस्तेमाल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की पाबंद। दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल ना करने पर CEO लाहौर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से वजाहत तलब कर ली गई है। पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए खुशखबरी, महकमा हायर एजुकेशन का सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर्स की 2,451 असामियों पर भर्ती का आगाज। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 1,016 मर्द और 1,435 ख्वातीन असाज़ा की भर्ती के लिए इंतजामात की हिदायत कर दी गई। करप्शन के खिलाफ इकदामात, सियासतदानों के साथ साथ सरकारी अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान से असाज़ात की रिपोर्ट, आमदनी के ज़राए और अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। महकमा SNGAD ने मरासला अरसाल कर दिया। सियासी मुखालिफीन कहीं भी आवाम की बात नहीं करते, इसीलिए आवाम अपोजिशन नहीं हुकूमत के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब के वफाकी वजीर इत्तला शबली फराज से गुफ्तगू, मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान असूलों पर डट जाने वाला लीडर है, बिला इम्तियाज एहतसाब तरक्की और खुशहाली का जामिन है। शबली फराज बोले, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इंतखाबात 2023 में ही होंगे। सरकारी नेखों पर अमल दरामद, इंतजामिया की जिम्मेदारी, सरकारी मशीनरी को कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त इकदामात की हिदायत। वजीर सनत असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ।
आटे की बाजारी कीमत और मिलों को गंदम की सप्लाई की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। हुकूमत लॉकडाउन से मुतासरा स्टेज फनकारों को हर मुमकिन इमदाद करेगी। वजीर कानून राजा बशारत की स्टेज फनकारों के वक्त को SOPs के तहत जल्द थिएटर खोलने की यकीन दहानी। कहा, कामयाब हिकमत अमली के सबब कोरोना शिकस्त के करीब है। चौधरी शुजात हुसैन से लियाकत बलोच की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और पंजाब में कानून साजी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा समेत दीगर भी शरीक हुए। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की रिहाइश गाह आमद। अब्दुल अलीम खान ने ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए फातिहा खान की। सेशन कोर्ट बिल्डिंग में ई चालान कंप्यूटर रूम और 3 अदालतों का कयाम। सेशन जज कैसर नजीब भट्ट ने ट्रैफिक पुलिस के ई चालान कंप्यूटर रूम समेत मजिस्ट्रेट की 3 अदालतों का इफ्तिताह कर दिया। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान के 3 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम केक काटा गया। फेडरेशन ऑफ डीलर्स के साबिक सदर कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के मसाइल हल कराने के लिए फेडरेशन कायम की है। और वेट लिफ्टिंग के नेशनल प्लेयर ऑनलाइन मुकाबलों के आलमी पर छा गए। एलेको इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 3 तलाई तमगे जीत लिए। 67 किलो कैटेगरी में तलहा तालिब, 89 किलो में अब्दुलरहमान और 109 प्लस कैटेगरी में नूह दस्तगीर भट्ट ने सोने का तमगा जीता।